नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और एक बार फिर मैं हाजिर हूँ लेकर मेरा गांव मेरा देश। और आज हम पहुँचे हैं देवभूमि हरिद्वार, जिसका नाम सुनते ही मन में प्रसन्नता और धार्मिक भाव उत्पन्न हो जाते हैं। हर की पौड़ी के पास बहती गंगा को देखकर मन गदगद हो जाता है। उसी हरिद्वार में अब सियासी रंग चढ़ चुका है। देखने को मिल रहा है कि सियासी रंग किस तरह से बह रहा है, सिर्फ शहरों में नहीं गांव के चप्पे चप्पे पर हम देख रहे हैं कि राजनीति किस तरह से गंगा की तरह बह रही है। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या हरिद्वार, जो आज हम हरिद्वार को देखते हैं, क्या वही हरिद्वार शहरी जिसका शहरीकरण हो चुका है, वो गांव में भी उसमें कुछ हुआ है या नहीं। तो चलिए आपको मिलाते हैं असली भारत से, असली भारत जो गांव से बनता है। क्या वो माहौल, वहाँ के लोग किस तरह से प्रसन्न हैं नहीं हैं, या सियासत ही हो रही है? जो लोगों से वादे किए गए थे, जो वादे हो रहे हैं वो सत्य हैं नहीं हैं, ज़मीन पे उतरे हैं नहीं उतरे हैं, इन सब पर बात होगी और असली भारत से मिलाएंगे आपको। आज हमारे बीच हमारे साथ हैं जसीद अंसारी जी, इन सबका मैं स्वागत करूँगा, विनोद मिश्रा जी और हमारे ऋषभ रिपोर्टर हैं हरिद्वार से। असली भारत को यही लोग बता सकते हैं, यही वो लोग हैं जो अपनी पीड़ा को सही में समझा सकते हैं कि जो इनके मंत्रियों ने, इनके विधायकों ने इनके साथ जो वादे किए थे वो सत्य हुए या नहीं हुए, या इनको असल में चाहिए क्या। तो सभी गेस्टों को आमंत्रण करते हुए पीसीआर से बोलूंगा, सभी गेस्ट को लें। तो गेस्ट अभी आ रहे हैं, तो तब तक हम गांव के बारे में बात करें। जब हरिद्वार की बात आती है ना, हरिद्वार एक अलग ही उस पर चला जाता है, पूरे देश दुनिया हरिद्वार को एक दूसरे रूप में देखती है। और एक हरिद्वार मैं भी आपको दिखाऊंगा, जो असली हरिद्वार, जहाँ गाँव के, अब स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, जहाँ पर जानवर घूम रहे हैं, इन पे इंसान चले तो चले कैसे, ये भी वो हरिद्वार है। और डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होगी इनकी, ये 1 किलोमीटर के फासले में हरिद्वार में परिवर्तन देख रहे होंगे आप। सड़कों के बेहाल हैं, सड़क पर जानवर, कुत्ते और सूअर घूम रहे हैं। अब सोचिए, ये वो हरिद्वार। तो हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जसीद अंसारी जी आपका स्वागत है, विनोद मिश्रा जी आपका स्वागत, ऋषभ आपका स्वागत। जसीद अंसारी जी, आज हमने इस प्रोग्राम को, आप वैसे हमारा प्रोग्राम अभी ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ है, पर हमारी पीड़ा यह है कि हम गांव-गांव से जुड़े हैं, इसमें असली भारत की बात करें, जहाँ पर हम देखते हैं कि नेता अपनी बातें करके चले जाते हैं पर पीड़ा वहीं की वहीं, पुरानी पीड़ाओं पे पर्दा डाल देते हैं, नए वादे खड़े कर देते हैं। तो आप लोग कितना संतुष्ट हो उनकी बातों से, ये आपसे ही जानेंगे। जसीद अंसारी जी, थोड़ा सा आप बताएं, क्या आपके हरिद्वार में विकास हुआ है? अंसारी जी, आपको आवाज़ आ रही है? अंसारी जी, क्या विनोद मिश्रा जी, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? जी, मिल रही है। हाँ, तो विनोद मिश्रा जी, आप ही बताएं, हरिद्वार, आप एक ग्रह, दो अलग अलग विधानसभा से हमने दोनों लोगों को लिया है, आप अपनी विधानसभा का बताएं, जब तक जसीद अंसारी जी के सिंह। हाँ जी, मैं हरिद्वार विधानसभा से हूँ। मैं तो, हाँ जी, आपके, तो आपको श्री गंगा जी की जी, हरिद्वार विधानसभा में पिछले 20 वर्षों से जी हमारे एक ही विधायक है, मदन कौशिक जी। और जहाँ तक हम विकास कार्यों की बात करें तो निश्चित है कि विकास भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुए, लेकिन जो जनता के मानक थे उन पर विकास उतने नहीं हो पाए। जैसे कि सड़कें, गलियां, मोहल्ले पे सब बहुत अच्छे तरीके से बने हुए हैं, जिस तरीके से आप अभी दिखा रहे थे मुझे कि वो पशु वगैरह है या इस तरीके से, इन पर थोड़ा सा कंट्रोलिंग करने की आवश्यकता है यहाँ पर।
क्योंकि जिस प्रकार से हरिद्वार आध्यात्मिक नगरी है और श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु होते हैं, तो चाहे वो गाय माता है, चाहे आपके ये कुत्ते वगैरह हैं, तो इनसे कहीं ना कहीं जो है श्रद्धालु भी कहीं ना कहीं चोटिल हो जाते हैं। तो इस पर जरूर नगर निगम को एक व्यवस्था करनी चाहिए कि आवारा पशु इत्यादि जो है इनके इन पर कैसे रोक लगाई जाए। तो आपके आपके जो विधायक द्वारा योजनाएं हैं वो धरातल पे उतरी हैं? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं उतरी है, उतरी जरूर है। जिससे मैंने क्या कहा आपको कि जनता के जो मानक हैं उस पर खरे नहीं उतरे, उस पर खरे नहीं उतरे। हाँ, कोरोना काल का भी बेनिफिट इनको देना पड़ेगा भाई, 1.5-2 साल खराब हो गए सरकार के जी उस कारण। कोरोना काल में हरिद्वार के संतों ने बहुत सेवाएं आम जनता को पहुंचाई है, चाहे उसमें भोजन बना हुआ था, चाहे राशन सामग्री थी, तो उन्होंने बहुत सेवा करी है संतों ने यहाँ पर। वो अच्छी बात है, संतों ने सेवा करी, पब्लिक ने भी सेवा करी, जिनको कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। पर नेताओं को क्या होता है कि थोड़ा सा कुछ कर देते हैं ना तो कैमरे के आगे ही करते हैं वो लोग। तो ये बड़ी विडंबना है हमारे देश की कि नेता को कैमरा चाहिए और सेवा करने वाले को अपना नाम तक नहीं चाहिए। तो ये ना भाई साहब, पहले तो विधायक या सांसद बनते थे वो जन सेवा के लिए बनते थे। आज के समय में सिर्फ और सिर्फ अपनी सेवा करते हैं, जनता की सेवा का उतना ध्यान नहीं रखते। बिल्कुल, तो वो बात बिल्कुल सही है। ऋषभ को मेरी आवाज मिल रही है जी? ऋषभ, किस तरह का आप माहौल देख रहे हैं इस टाइम पे कि हर पार्टी कुछ ना कुछ नए वादे कर रही है, नए घोषणाएं हो रही हैं। कल प्रधानमंत्री जी भी आके कुछ घोषणा करके गए हैं शनिवार को, और उन्होंने भी उससे कितने लोग संतुष्ट हैं, क्या वो सही है या बिल्कुल इलेक्शन मोड पे ही घोषणाएं होती हैं, नौकरियां भी इलेक्शन मोड पे ही दिखाई देती हैं? देखिए, ये मैं आपको बता दूं, अगर हरिद्वार विधानसभा की हम बात करें तो ये जो मंत्री चार बार के विधायक है हमारे जी और कौशिक जी प्रदेश अध्यक्ष भी है अब, तो ये सिर्फ वादे 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 और कुछ नहीं है। विकास नहीं, रोडों का हाल पूरा, सड़कें बुरी, सब कैश नैश कर रखा है इन्होंने। अच्छा, विकास हुआ है ऐसा भी नहीं कह सकते, विकास नहीं हुआ, ये सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं का विकास इनका हुआ है और आम जनता का कुछ ऐसा विकास इन्होंने नहीं करा है जो इनकी हम बता सके कि इन्होंने विकास करा है। अपने क्षेत्र में कितना घूमते हैं ये विधायक? ये विधायक जो है अपने क्षेत्र में तो बहुत ही कम, इनका तो पार्टी देहरादून, हरिद्वार में तो ये ज्यादा दिखते ही नहीं, और क्षेत्र में घूमने की तो बात बहुत दूर है, हरिद्वार में ये ज्यादा नहीं दिखते। अपने पद के लिए बाहर जाना, दिल्ली जाना, देहरादून जाना, ये सब लगा रहता है इनका ना। तो आप जब क्षेत्र में घूमते हो तो लोगों की समस्याएं, किस प्रकार की समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं? तो कॉलेज की होती है, तो डिग्री कॉलेज नहीं, और दूसरा सड़कें, जगह जगह पानी भरना, 20 साल से एक ही लोगों की इतनी शिकायत, एक ही उस पर वो आज तक सुधार नहीं हुआ। ये हमारा भगत सिंह चौक है, वहाँ पे पानी भरना, सुधार कहीं नहीं है, सुधार लोगों का यही है, गड्ढे, सड़कें, और जानवर खुलेआम ये घूमते हैं। निगम को भी थोड़ी लगाम लगानी चाहिए, निगम भी ध्यान नहीं दे रहा हूँ। गंगा में नाले का पानी, होटलों का गंदा पानी, ये विकास को दिख रहा था इनके इस तरह की योजना। चलिए, और विनोद जी, जी विनोद जी, कभी आप लोग कोशिश करते हो अपने अपने किसका नाम विधायक से मिलने की, अपने क्षेत्र के मंत्री से मिलने की, तो किस तरह का आश्वासन वो आपको देते हैं और जो लगता है कि सिर्फ आश्वासन है? ऐसा है ना, वो तो कल्चर में आ गया है, विधायक हो चाहे मंत्री हो चाहे कोई हो, तो कल्चर में आ गया आश्वासन का। तो उतनी संतुष्टि जो जनता के बीच ऐसे हम लोग रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता के उतने काम, जो मैंने कहा ना कि जनता के मानक पर खरे नहीं उतरे हैं, बाकी तो क्षेत्र के अंदर या इधर उधर जैसे हमारे गली मोहल्लों की सड़कें हैं इत्यादि वो सब बने हुए हैं, किंतु जो जनता के मानक है यानी कि जनता का विषय होता है शिक्षा और स्वास्थ्य,
आज हमारे यहाँ मेला हॉस्पिटल है, जिला हॉस्पिटल है, किंतु वहाँ फिजिशियन नहीं मिल पाता है, सर्जन नहीं मिल पाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य का तो यहाँ हरिद्वार विधानसभा के अंदर ही आप देखा तो बहुत बुरा हाल है, जबकि वो दो बार के मंत्री रह चुके हैं, चार बार के विधायक हैं। बात तो सही है, दो बारी के मंत्री भी हैं, चार बारी के विधायक भी हैं, मतलब 20 साल का कार्यकाल उनका हो चुका है और पहले से ही प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं और फिर भी हरिद्वार में ये हाल है। गांव वो शहर को दिखाते हैं, जब भी दिखाते हैं वो देहरादून की रोड दिखा देंगे या दिल्ली से कनेक्टिविटी दिखा देंगे, जो कि जिसमें शायद विधायक का कोई इतना रोल नहीं है, वो सेंट्रल की स्कीम थी या स्टेट की स्कीम थी, उसमें विधायक का जो विधायक निधि है उन्होंने प्रॉपर अपने उसमें कर दें खर्च तो शायद अपने क्षेत्र का विकास हो। आप शिक्षा की बात कर रहे थे, शिक्षा पे आए तो अभी कोरोना टाइम पे स्कूल सारे बंद थे, क्या ऑनलाइन एजुकेशन बच्चों को मिल पा रही थी या स्कूल सिर्फ ऑनलाइन? तो ऑनलाइन एजुकेशन तो दे रहे थे, लेकिन भाई साहब ऑनलाइन एजुकेशन तो आप ये समझ लो बिल्कुल नेगोशिएबल रहती है मेरे हिसाब से। उस कोरोना काल के अंदर जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तो ऐसे ऐसे लोग बेचारे जो गरीब थे, जिनके पास पैसे की अर्थव्यवस्था नहीं थी, जो एक मोबाइल भी ले सके, जो बेचारे वो छोटा कीपैड वाला मोबाइल चलाते थे, वो सब लोग बेचारे फाइनेंस करा के किसी तरीके से, जैसे कि मोबाइलों की दुकानों पे देखा मैंने, लेना पड़ता था मजबूरी थी, क्योंकि वो ऑनलाइन क्लास चलेगी नहीं तो बच्चा पीछे रह जाएगा। हर माँ बाप ये सोचता है शिक्षा के क्षेत्र में पिछले किस तरीके से हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा, अच्छा, आपको नहीं, अच्छा आप मेरे भी बच्चे हैं और आपको नहीं लगता कि ऑनलाइन क्लास के नाम पे एक तरह की ठगी है ये? आप बिल्कुल है ठगी, ऑनलाइन बिल्कुल ठगी है सरासर, क्योंकि ऑनलाइन क्लास तो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एक माध्यम बना लिया कि हाँ भाई पैसे हमारे फीस कैसे हमारे पास आ जाएंगे। सरकार ने भी इस बात को सपोर्ट कर दिया है कि भैया इस बात के सपोर्ट में है ना, कि ताकि स्कूलों की फीस जाती रहे, ये सब ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन जो क्लास ले रहे हैं तो ट्यूशन फीस देनी होगी। अब मैं आप अपनी पीड़ा बताता हूँ मैं इसमें जी। उत्तराखंड में, मतलब उत्तर प्रदेश में तो फिर भी कनेक्टिविटी आपको खूब अच्छी मिल जाएगी, प्लेन इलाका है, उत्तराखंड में ऑनलाइन को अगर ये बोलते कि हमने ऑनलाइन एजुकेशन दी है, आप समझ सकते हैं हम चार गेस्ट नहीं जोड़ पाते ऑनलाइन। आप इतने बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को कैसे ऑनलाइन एजुकेशन दे पा रहे होंगे? बिल्कुल सही बात है, जहाँ पर 30-30, 40-40 बच्चे जुड़ने हैं तो कैसे उनको ऑनलाइन एजुकेशन? किसी ने ये प्रश्न उठाया ही नहीं इनसे कि किस तरह से ऑनलाइन, और ऑनलाइन का जो डिसिप्लिन होना चाहिए था वो डिसिप्लिन भी नहीं है। मैं तो अपने बच्चों की बात कर रहा हूँ, वो डिसिप्लिन है ही नहीं। इस बच्चा उठे सुबह, अगर ऑनलाइन पढ़ाना है तो उसको यूनिफॉर्म में बच्चा बैठे अपनी क्लास की जैसे बैठता है, वो है ही नहीं। वीडियो ऑफ कर दो, ऑडियो ऑफ कर दो, बच्चा प्रेजेंट है नहीं है, किसी स्कूल वाले को कोई मतलब नहीं। पर हाँ, एक तारीख को रिमाइंडर जरूर उनका टाइम पे आता है कि आपकी फीस ड्यू है, आप जमा करा दीजिए। तो सरकार की तरफ से इसमें कोई पहल नहीं की गई कि भैया ऑनलाइन के मानक क्या होने चाहिए, किस तरह से आपने ऑनलाइन एजुकेशन दी, आपने सिर्फ आपने ट्रांसपोर्ट का बिल कम करके आपने स्कूल की फीस पूरी ली और उनको एजुकेशन मिली या नहीं मिली, या वो उनका स्तर क्या है, आगे भविष्य में उनके साथ क्या होने वाला है, किस तरह से उनका आंकलन होगा जब वो कभी किसी कंपटीशन में बैठेंगे, और उनको जब ये पूछा जाएगा कि आप कौन से टाइम के पास आउट हो और उनको किस भावना से देखा जाएगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न बनेगा आने वाले टाइम पे। बिल्कुल बड़ा चिंता का विषय, इसमें बहुत चिंता का विषय बनेगा। इसके लिए किसी ने कोई प्रश्न नहीं उठाया अभी तक, ना स्कूलों पर उंगली उठाई, सिर्फ लोगों ने ये कहा कि हम फीस देने में असमर्थ हैं, और स्कूल वालों ने कहा भैया हमारे तो खर्चे बरकरार हैं, हमें तो टीचर्स की फीस भी देनी है तो बिल्डिंग को मेंटेन भी करना है, भविष्य मेंटेन होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी किसी ने किसी को नहीं दी। तो ये तो रही एजुकेशन का हाल। अब स्वास्थ्य का हाल अगर आप जान ले आपके हरिद्वार से, तो जो मेरी रिपोर्ट कहती है कि कई सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की उपलब्धि नहीं है, जबकि प्लेन का इलाका है, पहाड़ों की तो बात ही छोड़ दीजिए, पहाड़ में तो कोई रहना ही नहीं चाहता। अगर आप आपसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ चले, उत्तराखंड दो ही भागों में बटा है, ऊपर और नीचे, दिल्ली वाले शायद नहीं समझते, वो लेफ्ट और राइट समझते हैं, पर उत्तराखंड ऊपर और नीचे में ही बटा है। ऊपर चलें नरेंद्र नगर से ऊपर चंबा चलें, तो इस टाइम पे चंबा में वो ठंड होती है कि रंग ही बदल जाता है इंसान का, है ना, और वहाँ पर सरकारी अफसर कोई रहना नहीं चाहता,
कोई नहीं चाहता कि मैं इतनी ठंड में रहूं, या बर्फ़ पड़ रही है या नहीं पड़ रही है, यहाँ के लोगों का क्या होगा, सब सब धूमिल होता जा रहा है वहाँ पर। तो इस तरह की स्थिति हमारे उत्तराखंड की जब बन रही है, तो मैं चाहूँगा गाँव वाले अपनी शिकायत दर्ज करें। और बाकायदा देखिए, कई बार क्या होता है ना, माध्यम नहीं मिलता, प्रोग्राम करने का तरीका नहीं मिलता, या अपनी बात पहुँचाने का। इससे हम कम से कम, आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अपने गांव का, आप गांव की पीड़ा को लेके आगे आए हैं, तो आप कम से कम बता सकते हैं सबको, और उस विधायक को भी, कि विधायक जी आप किस बात को लेके खुश हो, कौन सी उपलब्धि आपकी ऐसी है जिसको लेके आप वोट मांगने आए हो, या जो बाकी पार्टियां हैं एक दूसरे पर आरोप लगाकर, और आप बोलने लगे कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था इसलिए बीजेपी ने किया, बीजेपी बोले इनके टाइम पे कुछ नहीं हुआ था, इस बात का फायदा उठाने के लिए आम आदमी पार्टी वहाँ पर आ गई। तो ये कब तक चलता रहेगा उत्तराखंड के अंदर? 20-21 साल उत्तराखंड को अलग हुए हुए हो गए, हमारे पास इतने सारे सोर्सेस थे इनकम के, हरिद्वार अपने आप में सबसे बड़ा सोर्स था, उसके बाद हमारे पास टिहरी डैम था, कृषि क्षेत्र में हम नंबर वन कागजों में दिख रहे हैं, मेरा मानना है कागजों में हैं वो। कृषि में अगर आप गाँव की तरफ जाएंगे तो कृषि आपको नजर आएगी, कितने खेत खलियान खाली हैं, कैसे नंबर वन हुए मुझे समझ में नहीं आया। गाँव के कुछ लोग, आपने 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 सही बात कही कि वो कागजों में नंबर वन है, नंबर वन है, वही मैं बोर्ड लगा दिए हैं, सब कुछ है, कृषि में नंबर वन है। मैं ढूंढ रहा हूँ उस दिन से, हम नंबर वन कैसे बने, कैसे किस तरह से नंबर वन हुए पूरे गाँव के, गाँव के ऊपर पहाड़ों पर ही ना जाए हम, हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा का हाल भी देखे, स्वास्थ्य के, वही मैं बोल रहा हूँ, प्लेन का ये हाल है तो पहाड़ों का क्या होगा, ग्राम सभा में एक हॉस्पिटल तक नहीं है, नहीं है, ये जनता की परेशानी है, वहाँ एक हॉस्पिटल नहीं है, घोषणाएं हो जाती है, वादे हो जाते हैं, सिर्फ बिल्कुल मोबाइल वीडियो, बिल्कुल ऋषभ, टीवी तक बस, और कुछ नहीं। और वहाँ पे एक हॉस्पिटल तक नहीं है, स्वामी जी मंत्री पद पर है, विधायक भी है वहाँ से, लोगों की इतनी पुकार है लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं होता। बिल्कुल, एक सड़क जो थी, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, मैंने जब वहाँ पर, ऋषभ तुम थे वहाँ पर जब हमने किस्सा कुर्सी का किया था, उस सड़क का जिक्र हुआ था जिसमें हमेशा पानी भर जाता है। जी, वो भगत सिंह चौक जो है वहाँ पर 20 सालों से, अभी भी वहाँ पे 20 साल से वो पीड़ा अभी भी वैसी की वैसी है। और इस बात को हमने कौशिक जी से भी कहा था कि कौशिक जी, ये पीड़ा आपके यहाँ बहुत बड़ी है, अब तो आप विधानसभा अध्यक्ष भी हो, सब कुछ हो, आप पे सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, इसको तो कम से कम ठीक कराइए। पर उन्होंने भी हमें भी आश्वासन ही दे दिया कि हो जाएगा, आश्वासन नहीं है सर, और कुछ नहीं है ना। तो इस बारी मैं चाहता हूँ कि इलेक्शन जो है ना, जब ये वादे करने आते तो आप लोग इनका अपोज करें, कि आप सबसे पहले पुराने वाला जो आपका रिपोर्ट, जो आपकी घोषणाएं थी, पहले उनकी बात कर लेते हैं, आगे के वादों की बात बाद में करेंगे। तो ये थोड़ा सा ये विषय आप लोगों को वहाँ लोकल उठाना पड़ेगा। आप उनको बिल्कुल नरमी से उनसे बात कीजिए कि साहब ये बता दीजिए कि ये हुआ या नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ और कब तक होगा, हम क्यों वोट दें आपको, क्यों लाइन में खड़े होके। जी विनोद जी, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा भाई साहब जी, कि थोड़ा सा जनता को भी अवेयर होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, इसीलिए हमने प्रोग्राम कर रहे हैं। अगर तभी उनका भविष्य जो है ना, क्योंकि अगर नेताओं के भरोसे अगर अपने भविष्य को देखते हैं तो अंधकार में रहता है, बिल्कुल, इसलिए अपने आप जागरूक होना भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो विनोद जी, आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं हरिद्वार के, और हरिद्वार को आप तिलक लगा के रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं कि आप सही में हरिद्वार से हैं, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। आप लोगों को जागरूक भी करें वहाँ पर, लोगों को जोड़ें अपने साथ इस अभियान में हमारे। ये इस प्रोग्राम का नाम ना, मेरा गांव मेरा देश, मैंने खुद एक दिन बैठकर, मैं आपसे बिल्कुल मन की बात बताता हूँ, ये मन में मेरे भी पीड़ा है, मैं भी टिहरी गढ़वाल से हूँ और नरेंद्र नगर से मेरा विधानसभा है, और वहाँ से मेरे को ये पीड़ा समझ में आई कि हमारी तो बात ही नहीं हो रही है, हमारे गाँव की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, सब अपने अपने एजेंडा लेके और उन सब पे बात कर रहे हैं। तो ये प्रोग्राम मैंने उस दिन सोचा था कि मेरे गांव से ही मेरा देश बनता है, तो मेरा गांव मेरा देश, हम सबको अगर इसमें जुड़ें और हम अपने अपने कमेंट्स इसमें भेजना शुरू करें तो सरकार तक पहुंचने में कोई हमें टाइम नहीं लगेगा। और शायद यही सही टाइम है, जब वो बोलते ना, इस टाइम वो घुटनों पर होते हैं कि हाँ जनता ही भगवान है, इस टाइम शायद हमारी बात सही टाइम पर सही तरीके से पहुँच सकती है, अपने गाँव की बात करेंगे, है ना। तरीका हमारा इस टाइम पे यही होना चाहिए कि हम उनको बिल्कुल बोलते हैं ना कि
नर्म व्यवहार से हम अपनी बात को रखें, गर्म हमारा काम नहीं है। आपने भी घुटनों की बात करी ना, जिस समय घुटनों पे होते हैं तो आपकी बात सुनके एक बात याद आ गई, धरती पे घुटने पे हर तरह से बैठे हुए मिलेंगे आपको। जब चुनाव आता है तो कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होता है। हाँ जी, जब चुनाव आता है तो कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होता है, और जब चुनाव चला जाता है तो सिर्फ भीड़ होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला, रीढ़ होता है और उसके बाद भीड़ होता है, और उसको वो भीड़ मंत्री जी से समय लेने के लिए उनके घर के बाहर खड़ी भी मिलती है, और मंत्री जी उनको डांट धमका के भगा भी देते हैं, और बेचारी भीड़ वापस भी चली जाती है। ये भी बड़ी मैंने देखा है, बहुत उत्तराखंड में मैंने आपके देहरादून में ही मंत्रियों का जब आवास है, मैंने वहाँ खूब भीड़ देखी है, और लोग खड़े रहते हैं और उनका गार्ड उनको बाहर खड़ा रखता है। यही वो भगवान है जो पहले बोलते हैं ये हमारे भगवान है और इनको अंदर आने दो, और वही भगवान फिर बाहर खड़ा हुआ मिलता है कि मंत्री जी अभी व्यस्त है। चलिए, भगवान करे उनको जनता का दर्द समझ में आए, जल्दी से जल्दी आए। कौशिक जी को हम फिर आज हम एक शाम को एक डिबेट दोबारा से करते हैं, जिसमें उत्तराखंड के प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनको बैठाते हैं, ये कंप्लेंट हम उन तक रखते हैं, और उसके बाद उस कंप्लेंट को कॉपी हम सीएम हाउस तक भी भेजते हैं कि आपके क्षेत्र में कौन से विकास की आप बात कर रहे हैं, ये है आपका क्षेत्र का विकास, ये है रिपोर्टर जो भूखा प्यासा दिन भर अपने घर से सुबह निकल जाता है और आपके यहाँ की जानकारियाँ एकत्रित कर रहा है, आपका विधायक कौन सी आपको सूचना दे रहा है कि सब कुछ ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है। तो यही हमारा मकसद भी है इस प्रोग्राम को करने का, कि हम गांव के एक एक आदमी को जोड़ें, और आज तक जो ना डिबेट में प्रवक्ता ही बैठते थे, और प्रवक्ता वही बकते थे जो उनके मन में होता था, जो अच्छा बकवाना चाहते हैं, वो मैं तो बकवास ही कहूँगा उसको, कि वो जो करना चाहते हैं अपनी बकवासें करके निकल जाते हैं। जी आप सुनना होगा उनको, आपको भी आपको सुनना होगा, और असली असली जो वोटर है ना वही प्रवक्ता है, उसी की सुननी पड़ेगी। तो ये ऋषभ थोड़ा सा और मुझे जानकारी और दो, ताकि मैं आपकी बात और अच्छे से डिबेट में और रख पाऊँ, और उन लोगों को आपके क्षेत्र में जो कार्य नहीं हुए हैं उनको मैं खींच पाऊँ, और उन लोगों से पूछ पाऊँ कि भैया कौन सा विकास, किसका विकास, किसके लड़के का नाम है विकास, कांग्रेस के लड़के का नाम विकास है या बीजेपी के लड़के का नाम विकास है, कि हम सोचते आए कि विकास मतलब वाले विकास की बात करें, ये अपने लड़के विकास की बात तो नहीं कर रहे थे। सड़कों का हाल इतना बेहाल है, गली मोहल्ले में पूरा ही बदतर हाल इन्होंने कर रखा है, और हरिद्वार विधानसभा ग्रामीण की हम बात करें, ग्रामीण विधानसभा हरिद्वार की, तो वहाँ पे हॉस्पिटल की जो मांग है वो एक बहुत बड़ी मांग है, हॉस्पिटल की मांग है, बिल्कुल उस टाइम पे स्वामी जी को, हाँ जी स्वामी जी को करना चाहिए, मंत्री पद पर भी है, विधायक भी है वहाँ से, बिल्कुल ये सब जी सर। कुछ ऐसी संस्थाएं हैं भी हरिद्वार के अंदर, मैं भी जानकारी है, स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल है, अच्छा कार्य कर रहा है, निस्वार्थ है, और उनको किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है, आप भी विनोद जी सहमत होंगे इस बात से, उन्हें किसी प्रचार की ज़रूरत नहीं है, ना ही उनको शाबाशी की ज़रूरत है, कुछ लोग उनके साथ जुड़े हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं। कहना चाहूँगा कि अगर स्वास्थ्य के रूप में हरिद्वार के अंदर जो फ्रस्ट्रेट का ये थोड़ा सा ट्रीटमेंट होता है, वो बंगाली हॉस्पिटल जो आपने अभी नाम बताया विवेकानंद जी वाला, जी वही हॉस्पिटल एकमात्र जहाँ पर आदमी थोड़ा सा जो है हाँ ले सकता है, और उनके पास संसाधन भी है। हाँ। अच्छा सबसे खूबसूरती बताऊँ उसकी, सबसे खूबसूरती विनोद जी उसकी बताऊँ, उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। जी जी जी, उसमें जितने भी है वहाँ जो दुनिया भर से अपने उत्तराखंड के जो डॉक्टर्स हैं, जिनका मन अपने उत्तराखंड में आज भी धड़कता है, दिल धड़कता है जिनका, वो लोग सेवाएं देते हैं वहाँ पर। जी जी बिल्कुल, और फ्री सेवा, फ्री एक दिन डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप दिल्ली में 2000 रुपये खर्च करते हो अपॉइंटमेंट के लिए, और 5 मिनट का अपॉइंटमेंट, वो डॉक्टर वहाँ पर आके फ्री में आपका इलाज करके जाते हैं। यस यस, तो ऐसी पहल होनी चाहिए। मैं तो पूछता हूँ आम आदमी पार्टी से भी और कांग्रेस से भी, कि क्या आपने कभी ऐसी पहल की, आपके कोई ऐसे अस्पताल हैं, क्या आपने प्रचार प्रसार में पैसा खर्च किए बिना अगर आपने किसी हॉस्पिटल को किया होता है। तो विनोद जी आपकी पीड़ा मैं आज कौशिक जी को जरूर रखूँगा, हॉस्पिटल की, रोड की, और जो हम लोगों ने डिस्कशन किया, इसी तरह के डिस्कशन हम आगे भी करते रहेंगे, लोगों को आप जोड़ते रहिएगा,
और इसको जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको फॉरवर्ड कर सकते कीजिएगा, ताकि लोगों तक ये इस तरह का प्रोग्राम पहुँचे। तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मुलाकात होगी विनोद जी। तो ये था हमारा प्रोग्राम मेरा गांव मेरा देश, और आज हरिद्वार का जो जानकारी हमने ली है, ये हम इस प्रोग्राम के जरिए आगे अगले वाले प्रोग्राम में कौशिक जी से हम सीधा मुलाकात करेंगे, सीधी बात करेंगे। तो आज दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और गांव के साथ, किसी और मुद्दों पे, उनकी और परेशानियों के साथ। जय हिंद।